मुंबई का एसएनडीटी स्कूल। ऐसा कहा जाता है कि इस स्कूल में एक टीचर की आत्मा भटकती रहती है, जो रात के 2 बजे के बाद बच्चों को पढ़ाती है एंड उसके गलत आंसर देने पे बच्चों को झापड़ भी मारती है। लिटरली कुछ लोगों ने इस झापड़ की आवाज़ भी सुनी है, और जब वो आत्मा उस बच्चे को झापड़ मारती है तो उसके रोने की भी आवाज़ आती है। क्या है इस एसएनडीटी स्कूल की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। ये स्टोरी होने वाले मुंबई के एसएनडीटी स्कूल के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि इस स्कूल में एक टीचर ने रात के अंधेरे में फांसी लगा ली थी, और तब से उस स्कूल की टीचर उसी स्कूल में भटकती रहती है। इस स्कूल को लेकर बहुत सारी स्टोरीज हैं, उसी में से कुछ स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक वॉचमैन बाहर के साइड सो रहा होता है। रात के करीब 2:30 हो रहे होते हैं, तभी वॉचमैन को ऊपर रूम से कुछ बच्चों की आवाज़ आती है, मतलब पढ़ाई करने की आवाज़ आती है। एक दो बार तो वो वॉचमैन उस आवाज़ को इग्नोर कर देता है, हो सकता है वो उसका वहम हो। लेकिन जब ये आवाज़ कंटिन्यू आने लगती है, वॉचमैन सोचता है कि आखिर इतनी रात में कौन है जो इतनी रात में भी पढ़ाई कर रहा है। वॉचमैन ने फैसला किया कि वो ऊपर जाके देखेगा कि आखिर कौन है जो इतनी रात में भी पढ़ाई कर रहा है। वॉचमैन अपनी जगह से उठता है और ऊपर जाने लगता है। वो एक एक करके सारे रूम चेक करता है एंड लास्ट में वो उस रूम के पास पहुंच जाता है जहां पे उस टीचर ने सुसाइड की थी। वॉचमैन जैसे उस रूम को खोलता है, मानो जैसे एकदम सन्नाटा छा जाता है। एंड जैसे ही वॉचमैन रूम के अंदर आता है, उसको कुछ तो सर पे आके लगता है, और जैसे ही वॉचमैन ने उस रूम की लाइट जलाई, वो देखता है कि ऊपर टीचर की लाश लटक रही होती है। ये देखकर वॉचमैन घबरा सा जाता है और दौड़ता हुआ नीचे भागकर आ जाता है। इसी तरीके से वहाँ पे रहने वाले, मतलब वहाँ पे जो कॉलोनी है, वहाँ पे रहने वाले लोगों ने कितने दिनों तक, जब ये टीचर ने सुसाइड किया था उसके कुछ दिनों के बाद ही उस टीचर की ये सब स्टोरी फेमस होने लगी। एंड कितने दिनों तक उस कॉलोनी वालों ने भी इस टीचर की आवाज़ सुनी। जब कुछ दिन हो गए तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये 10-15 लोग उस रूम में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो रूम में इंटर होते हैं तो रूम में आवाज़ आनी बंद हो जाती है। एंड जैसे ये लोग नीचे आते हैं, रूम से वापस से आवाज़ आने लगती है। ये चीज़ कंटिन्यू होने लगती है, जैसे ये लोग रूम के अंदर जाते आवाज़ बंद हो जाती है, एंड जैसे रूम से नीचे आते आवाज़ आने लगती। उन लोगों ने ये मान लिया था ये आवाज़ रुकने वाली नहीं है। इसी तरीके से एक टीचर होता है जिसको कुछ नई नई ज्वाइनिंग हुई रहती है, तो उसको कुछ वर्क रहता है जो वो सोचता है कि मैं अकेले रह के स्कूल में कंप्लीट कर लूँ। उसके अगले दिन संडे होता है, तो इसलिए टीचर अपना स्कूल का काम करने के लिए अपने ऑफिस में बैठा रहता है। लेकिन तभी उसको अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है। टीचर हैरान होता है कि मेरे अलावा कोई भी तो स्कूल में नहीं है, तो ये सब आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। एंड टीचर एक दो बार ये सब इग्नोर करता है, वो सोचता हो सकता है ये मैं दिन भर की थकावट की वजह से उसको कोई वहम हो, लेकिन ये उसका वहम नहीं होता है। एंड सडनली उसके रूम का डोर ऑटोमेटिक ही खुल जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पुश करके उसके डोर को खोला हो। एंड ये चीज़ देखने के बाद टीचर को लगता है कि वहाँ पे कोई ना कोई तो है। जब टीचर बाहर जाता है तो वो देखता है वहाँ पे कोई नहीं है। टीचर फिर से वापस आके अपना काम करने लगता है, लेकिन वहीं पे कुछ देर बाद फिर उन बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगती है। एंड अब टीचर को लगता है कि इसको चेक करना चाहिए आखिर में क्या चीज़ है वहाँ पे। टीचर उठता है और एक एक करके उसी वॉचमैन की तरह सारे रूम चेक करता है। लेकिन जब ये लास्ट वाले रूम में पहुंचता है तो उसको भी सेम वही चीज़ दिखती है जो वॉचमैन को दिखी थी उस रात। टीचर देखता है कि उसके सामने उसी टीचर ने, जिस टीचर ने सुसाइड किया है, उसकी लाश उसके सामने लटक रही है। ये सब देखने के बाद टीचर के जैसे होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद से टीचर ने कभी भी उस स्कूल में कदम नहीं रखा। लेकिन स्कूल के कुछ टाइम बाद भी
टीचर को अजीबोगरीब वहम होते रहते थे। टीचर ने उसके बाद उस स्कूल से रिज़ाइन कर दिया। इसी तरीके से इस स्कूल के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना ये स्टोरी कितनी सच एंड कितनी झूठ। मिलते हैं ऐसे ही हॉरर एंड मिस्ट्री से भरे हुए वीडियो में। तब तक के लिए